रिकॉर्डिंग को मैसेज कर, स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा, लास्ट थिंग, हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? एनुटी। ठीक है, एनुटी का मतलब है टॉपिक का, एनुटी का मतलब है, देखो एनुटी कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में। देखो अभी तो एनुटी ही पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल सा बात है एनुटी का ही क्वेश्चन आएगा। फिर भी एनुटी को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते, क्योंकि जब सारा क्वेश्चन मिक्सड अप होता है तो एनुटी आइडेंटिफाई करना भी तो आना चाहिए। एनुटी का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे एक पेमेंट होगा। अब रेगुलर बेसिस कैसे हो सकता है? ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है, रिसिप्ट भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से पैसा मिलेगा या फिर हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो भी। ठीक है, अच्छा अब दूसरा बात है कि क्या होना चाहिए। सिर्फ रेगुलर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो का बात नहीं है, वो एक टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। अनलिमिटेड होने से वो एनुटी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन। और क्या कंडीशन था? और था देखो, स्पेसिफिक पीरियड अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए, मतलब कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर डेली बेसिस पे है तो हर दिन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज हुआ कल नहीं होगा फिर परसों होगा, ऐसे होने से नहीं चलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सेम अमाउंट होना चाहिए जैसे ईएमआई होता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोगों ने एक मोबाइल ईएमआई में खरीद लिया, तो उसमें ईएमआई का डेट फिक्स कर देता है कंपनी, जिससे परचेस करोगे वो अपना डेट फिक्स कर देता है कि कौन से डेट पे हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा, हर मंथ उसी डेट पे ही डिडक्ट होता है। ठीक है, मतलब हो सकता है किसी किसी कंडीशन पे ना हो, लेकिन नॉर्मली देखोगे कभी अगर ईएमआई में कुछ भी लोगे तो सेम डेट पे डिडक्ट होते जाता है सेम अमाउंट, अगर इक्वल है तो। और ईएमआई नॉर्मली इक्वली होता है, इसीलिए उसका नाम ईएमआई है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को एनुटी का फॉर्मूला याद रखना है। मैंने बोला था फॉर्मूला बेस्ड है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे याद रखना है। अगर मुझे एनुटी का फ्यूचर वैल्यू पता करना है, अब एनुटी भी दो तरीके का था, क्या क्या था? एनुटी रेगुलर और एनुटी डी। ठीक है, रेगुलर का मतलब है जब क्वेश्चन में बोलेगा कि इंस्टॉलमेंट जो है एंड ऑफ द पीरियड में स्टार्ट होगा, जो भी हम लोगों ने स्कीम अवेल किया है उसमें इंस्टॉलमेंट अगर एंड ऑफ द पीरियड में होगा, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा, तो रेगुलर। और अगर इमीडिएटली स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ड्यू। ठीक है, अच्छा और अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी ना बोलेगा, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, तो हमें क्या असम्पशन लेना है? एनुटी रेगुलर। वो भी मैंने सारा चीज लिखवाया है, क्योंकि बिना लिखवाए नहीं समझ में आएगा। और कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे वो भी दिया हुआ है। अब एनुटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देख लो, ये है। ड्यू का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये है। और ये फॉर्मूला ऐसे क्यों बना वो भी मैंने समझाया था, ये देखो एक एग्जाम्पल से कि एक्चुअली हम लोग इसको, ये देखो ऐसे करके कैश फ्लो देखेंगे तो एक एक करके हम लोग कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही एनुटी को भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो टाइम टेकिंग होगा, इसीलिए इसके बदले हम लोगों ने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला याद करने के लिए सोचा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन तो किया था, 26 तक किया था, उसके बाद से देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, 27th नंबर में बोल रहा है 200 इज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये लाइन पढ़ के क्या लग रहा है, क्वेश्चन किस चीज का है? सिंपल इंटरेस्ट का होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा कि एन्युटी का होगा? बोलो, एन्युटी होगा। क्यों क्यों बोला है? देखो 200 रुपए, अभी तो बोला एन्युटी का चार कंडीशन है, 200 रुपए इन्वेस्ट होगा, कब इन्वेस्ट होगा? ईच मंथ, हर मंथ 200 रुपए इन्वेस्ट होगा, तो रेगुलरली हुआ, हर मंथ मतलब रेगुलरली हुआ। और अमाउंट भी क्या है, फिक्स्ड है, कितना? 200। अभी तो बोला चार कंडीशन है, रेगुलर होना चाहिए, सेम अमाउंट होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए होना चाहिए, वो तो आगे पढ़ने से पता चलेगा कितने दिन के लिए ये पेमेंट है, और इसके अलावा क्या होना चाहिए, रेगुलर सेम अमाउंट और क्या, बोलो चार कंडीशन क्या क्या है ये दिमाग में रख लो। हाँ, स्पेसिफाइड टाइम के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो ये एनुटी हो गया, तो कितना रुपया हमें इन्वेस्ट करना है हर बार? 200। तो 200 को ही क्या बोलेंगे, एनुटी, जो पैसा हमें जमा करना होता है या हमें मिलता है, जो भी हो। तो यहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट करें तो देना पड़ेगा कि मिलेगा? लेते हो अभी, देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन एन अकाउंटिंग पेइंग इंटरेस्ट, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, मतलब 6% पर ईयर मतलब एक साल में कितना मिलेगा, 6% मिलेगा पर एनम, मतलब एक साल में 6% मिलेगा, लेकिन देने का तरीका कैसे है, कंपाउंडेड है मंथली, मतलब ये पैसा एक बार में नहीं मिलेगा, हर मंथ में मिलेगा। ठीक है, तो कितना परसेंट करके मिलेगा फिर?
सिक्स बाई ट्वेल्व करने से जितना आएगा, 6% डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करने से तो मंथली एक कितना बार मिलेगा पूरे साल में, 12 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब कितना करके मिलेगा, 6/12 करने से जितना परसेंटेज आएगा। अब बोला है व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट, ठीक है, मतलब 10 नंबर देखो 10th नंबर पेमेंट के बाद बोल रहा है कि फ्यूचर वैल्यू कितना होगा। देखो पूरे एक साल में पेमेंट कितना होना चाहिए था, 12 टाइम्स, लेकिन हमें 12 टाइम्स तक कैलकुलेट करने नहीं बोला है। बोला है कि 10th पेमेंट हो जाने के बाद ये अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू कितना होगा। आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, 200, 200, 200 हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि मुझे एक इंटरेस्ट के साथ जब पैसा मिलेगा तो एक्स्ट्रा मिलेगा, तभी तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि 10th पेमेंट के बाद कितना पैसा बन जाएगा, ये पूछ रहा है। तो मुझे क्या पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू। तो ये तो समझ में आ गया कि मुझे क्वेश्चन में पूछा है एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू, लेकिन एन्युटी तो पता चल गया। अब क्या आइडेंटिफाई करना है कि एन्युटी रेगुलर है कि एन्युटी ड्यू है। तो इसी लाइन में होगा, पढ़ के मुझे बोलो कि एन्युटी ड्यू है कि एन्युटी रेगुलर। हाँ, कैसे पता चला, एट द एंड ऑफ ईच मंथ होगा, ठीक है। मंथ तो रेगुलरिटी बताता है, लेकिन इमीडिएटली देखो रेगुलर है कि हमारा ड्यू है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए ये लैंग्वेज सारे याद रखने हैं। देखो ये देखो, यहाँ देखने से ही पता चलेगा। इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग कब बोला, एट द एंड। अगर पीरियड के एंड में, पीरियड कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मंथ या जो भी हो, यहाँ जैसे मंथ है, अगर एंड में है तो हम लोग का क्या हो गया, एन्युटी रेगुलर। और अगर एंड नहीं होके बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता तो फिर क्या हो जाता, ड्यू, ड्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला तो मैंने बोला याद रखना पड़ेगा। देखो थोड़ा तो फॉर्मूला बेस्ड है ये वाला, तो याद तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 27th नंबर का करो सोल्यूशन। ठीक है, 27th नंबर हम लोग को 10th पेमेंट पूछा है, ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि फॉर्मूले में इसे कैसे एडजस्ट करोगे, मतलब ये ऐसा नहीं होगा। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो हर मंथ के एंड में पेमेंट होगा 200, 200, 200, 200, ऐसे करके 10 बार पेमेंट होगा। ठीक है, 200 करके। अब मुझे बोलो फिर इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। देखो अपने कॉपी में जाके तुम लोग देखो फॉर्मूला क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का, a इंटू, देखो ये लिख लिख के आदत करना पड़ेगा, a इंटू 1 + i होल टू द पावर n - 1 / i, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 + i होल टू द पावर n माइनस 1 / i, ठीक है। जहां पर a का मतलब होता है एन्युटी का वैल्यू। बोलो इस क्वेश्चन में एन्युटी का वैल्यू कितना है, बोलो ना, 200, ठीक है। अच्छा, और 1 तो फॉर्मूले में 1 ही रहेगा, वो तो फॉर्मूला में जो दिया हुआ है। i का मतलब होता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे देगा, बोला था कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। तो आई कैसे हो जाएगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे तो 6% ही मिलने वाला है, लेकिन 12 मंथ्स में मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6% / 12, बोलो कितना होगा। हाँ, 6/12 करने से आता है 6/12, तो ये हो गया 0.5, ठीक है, 0.5%। तो यहाँ पर हम लोग आई के जगह क्या लिखेंगे, 0.5%, ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स कन्वर्जन कितना बार होगा, तो कितना बार कन्वर्जन होगा। देखो इसका फॉर्मूला भी होता है, ये देख के भी बता सकते हो। अगर मुझे 10 बार का ही पेमेंट दिखाना है यहाँ पर, क्योंकि बोला है 10th पेमेंट के बाद वैल्यू कितना होगा, तो कितना बार कन्वर्जन हो रहा है, कितने बार इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी को कन्वर्जन बोलते हैं, 10 बार। तो एन 10 हो जाएगा। और ये देखो ऐसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ऐसा है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है, बोलो 12 बार पर एनम। पूरे साल में अगर मंथली इंटरेस्ट मिलेगा तो 12 बार कन्वर्जन होगा। मेरा टी कितना है, बोलो यहाँ पर टी 10th पेमेंट मतलब 10th मंथ तक, 10 नंबर मंथ तक, ठीक है। तो 10 नंबर मंथ यानी कितना साल, जैसे 6 महीना मतलब आधा साल, तो कैसे निकालते हैं, 6/12, तो 10 महीना मतलब कितना साल हो जाएगी,
10/12 तो कितने बार कन्वर्शन होगा, देखो निकल भी गया, वैसे जरूरत भी नहीं, अगर ड्रॉ कर ले तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि एन मेरा कितना होगा, 10 होगा, ठीक है, माइनस 1, ठीक है, और आई कितना आया, 0.5%, यहाँ जो आई आएगा यहाँ भी सेम ही आएगा, पहले आई को निकाल लेना। अब तुम लोग को इसका कैलकुलेशन करना है, उसके लिए कैलकुलेटर में ही करना है और कैलकुलेटर से ही हैबिट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो हम ये वाला वैल्यू लेंगे 0.5%, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100, ठीक है, ये जितना भी आया प्लस 1 करो, प्लस 1, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 10 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई होगा, इनटू करना है कैलकुलेटर में, फिर इक्वल करना है, तो दो बार मल्टीप्लाई हो गया, मुझे 10 बार करना है, तो काउंट करके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो तुम लोग को इसको अपने कैलकुलेटर में करना है, कैलकुलेटर में अपना हाथ सेट कर लेना है, जो कैलकुलेटर से यहाँ करोगे एग्जाम में भी वही लेके जाना, जल्दी होगा, ठीक है। माइनस 1 ये वाला डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.5%, मेरा परसेंट साइन दे दे रहा, तुम लोग के कैलकुलेटर में भी होना चाहिए, तो परसेंट साइन दे दिया, ये इधर का हो गया, इनटू कितना हो जाएगा 200, तो ये कुछ इतना आ रहा है 2045, ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। तुम लोग खुद से कैलकुलेट करके देखो, ठीक है, कैलकुलेटर लेके आओ, क्योंकि ये चैप्टर कैलकुलेटर पे करना जरूरी है, तो 20 नहीं तो क्या होगा बाद में, ऐसे फिर 1, 2, 3, 4 काउंट करना पड़ेगा, जितना जल्दी स्पीड में करोगे उतना ठीक रहेगा, ठीक है। तो 2045 मतलब आफ्टर 10th पेमेंट, ये 200 रुपए करके अगर हम लोग जमा कर रहे, देखो 200 रुपए करके 10 बार में कितना होना चाहिए 2000, लेकिन कितना बन गया 2045, 45 एक्स्ट्रा कहाँ से मिला, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, 27 वाला समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा यहाँ दे दिया था, अगर क्वेश्चन में दे देता है लाइक 1.005 to the power 10 का वैल्यू कितना है, तो तुम लोग वो भी यूज कर सकते हो, मैंने पूरा पूरा कैलकुलेटर में ही कर दिया, ठीक है, देगा तो वहां से यूज कर सकते। अच्छा अब नेक्स्ट देखो 28, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, बोलो ये लाइन हमें कुछ बता सकता है कि क्वेश्चन एनईटी का है कि नहीं। हाँ देखो हर बार 10,000 करके पे करना है, तो सेम अमाउंट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, तो इससे पता चल रहा है कि एक मतलब एक पीरियडिक वे में हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे है तो एनईटी क्या होगा, रेगुलर की ड्यू, एनुइटी ड्यू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, जब भी इमीडिएट स्टार्टिंग होगा तब मेरा क्या होगा ड्यू। देखोगे मैंने सारा लैंग्वेज वहां पर लिखवाया है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, फिर भी उतना लैंग्वेज दिमाग में नहीं भी रहता है, अगर मुझे इमीडिएट स्टार्टिंग बोलेगा तो मेरा सब ऑलवेज क्या लेना है, ड्यू लेना है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम भी बता दिया, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, तो कन्फर्म हो गया यहाँ पर ही चारों कंडीशन हमें दिख रहा है एनुइटी होने का, है ना, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड टाइम, रेगुलर, ठीक है, और एक क्या होता है सेम अमाउंट, ये तो बता दिया, सेम अमाउंट होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, पीरियोडिक बेसिस पे होता है, तो पीरियोडिक क्या है, पीरियोडिक है एवरी ईयर, ईयरली, ठीक है, ईयरली 10,000 10 साल के लिए, और स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, तो एनुइटी ड्यू हो गया। सपोज इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब पूरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 8%, ठीक है, और कंपाउंड भी कैसे होगा, मतलब पेमेंट भी कैसे होगा, एनुअली होगा, ठीक है, मतलब साल में कितना बार इंटरेस्ट मिले, एक बार, हाँ एक बार। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी, हमें क्या निकालना है, एनुइटी का फ्यूचर वैल्यू, तो एनुइटी हम लोग का कैसे बन गया ड्यू, तो ड्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ इसका यूज करना चाहो कर सकते हो, बाकी कैलकुलेटर है तो खुद से भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एनुइटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन रहा है देखो ऐसे, अच्छा कितने साल के लिए है क्वेश्चन, देखो 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा हर साल 10,000, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अच्छा 10,000 अब कहाँ लिखेंगे, देखो जैसे ये वाला ड्रॉ, देखो ये वाला ड्रॉ कैसे था, यहाँ पर एंड में था, इसलिए मैंने इस मंथ के एंड में, ये तो मंथली था, मंथ के एंड में 200 लिखा था, लेकिन यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का क्या बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, तो कितना सारा 10,000 जमा होगा 10, है ना, 10 साल का, इसमें और इसमें फर्क क्या था, लास्ट दिन जो मैंने कैलकुलेशन दिखाया था वहां पर समझाया था, देखो इसमें और इसमें फर्क ये हो जाएगा कि ये जो लास्ट वाला 10,000 है
इसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इस केस में देखो ये लास्ट वाले पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब एंड में होता है तो देखो 10 बार में पेमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, 10th वाले पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाता है, क्योंकि देखो अगर स्टार्टिंग में हुआ तो देखो 10,000 फिर 10,000 ऐसे करके लास्ट वाले में पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो लास्ट में पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट तब मिलता है ना जब अमाउंट रखते हैं किसी के पास, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को निकालना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, जैसा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर है सेम है, सिर्फ एक कंसेप्ट अलग है, तो पहले वो वाला फॉर्मूला लिखो अभी जो लिखा था। अच्छा इसमें इनटू हो जाएगा एक 1+i, इसका लॉजिक भी मैंने बताया था वो 5,000 वाले कैलकुलेशन से, ये 1+i इसीलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट वाले 10,000 पे भी हमें देखो यहाँ पर इस पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे भी मिलेगा 3 4 5 6 7 8 9 और इस पे भी मिलेगा, सिर्फ इस पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग का 10 पेमेंट है, क्या मैंने ज्यादा लिख दिया है, हाँ ज्यादा लिख दिया, ये वाला तो नहीं होगा, अगर मेरा 10 पेमेंट है, देखो ये एक्स्ट्रा लिख दिया ना, देखो तुम लोग नहीं बोल रहे, देखो 10 इयर्स है, तो 10 इयर्स में पहले साल दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सिक्स सेवन एट नाइन्थ और 10th, यहाँ होगा क्या पेमेंट, नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन फर्क क्या होता है, अगर हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं तो इसमें भी मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर हम एंड में देते हैं तो लास्ट वाले पेमेंट में मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। अगर ये देखो ना, ये वाला भी 200 करके मंथली पेमेंट था, इस 200 पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस 200 पे कितने दिन का मिलेगा बोलो, इस पे कितने मंथ का मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स का मिलेगा, है ना, और इसमें कितना मिलेगा 8 7 6 5 4 3 2 1 और इसमें 0, क्योंकि ये तो अभी अभी दिया, इसमें कैसे मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इस केस में ये लास्ट वाले में भी इंटरेस्ट मिल जाता है, तभी तो ये एक्स्ट्रा इसमें लगाना पड़ता है फॉर्मूले में, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट मैंने जो बताया था इसका अगर याद है तो समझ में आ जाएगा, देखो इसमें ऐसे हुआ था, इसमें हमारा एक्स्ट्रा एक लग जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसका कैलकुलेशन करो, बोलो यहाँ पर ए कितना है, बोलो इस क्वेश्चन में ए कितना है, 10,000, ठीक है। अच्छा और आई कितना होगा, आई का मतलब होता है एडजस्टेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा, 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब ये साल में भी कितना दिया जाएगा 8%, फिर यहाँ भी कितना दिया जाएगा 8%, फिर 8%, 8% का 8% ही दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि देने का तरीका क्या है, ईयरली है, तो अगर ईयरली 8% दे रहे हैं तो हर बार कितना करके देंगे 8%, तो आई को मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आई कितना रखेंगे 8%। अच्छा नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन मतलब 10 इयर्स का जो स्कीम है उसमें कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा बोलो, हाँ यहाँ पर 10 ही लिखना पड़ेगा, देखो फॉर्मूले में उसके बाद बता दे, ये देखो ऐसे हो जाएगा T इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है, तो अगर मुझे ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है तो ईयरली कन्वर्जन कितना बार होगा, एक बार, पूरा जो टाइम पीरियड है वो कितने का है 10 का है, तो 10 × 1 कितना हो गया 10 − 1, आई कितना हो जाएगा 8%, ठीक है, इनटू 1+i, आई कितना है 8%। अब इसको तुम लोग को कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखना है कितना होगा, तो देखो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, 8 / 100, ठीक है, ये आ गया +1, कितना बार मल्टीप्लाई होगा 10 टाइम्स, तो कैलकुलेटर में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये जितना भी आ रहा है −1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8%, तो 8%, तो ये इतना आ जा रहा है, मतलब ये जो कैलकुलेशन किया उस पे मेरा ये आंसर आया, इनटू कर लेते हैं 10,000 पहले, तो ये कुछ इतना आ जाएगा, और इनटू कितना करना पड़ेगा, 1 + 8% मतलब कितना होगा 1.08 होगा, ठीक है, तो इनटू कर देंगे 1.08, तो ये कितना हो जाएगा 1,56,454, तो इतना लिखेंगे, ठीक है, पूरा ही कैलकुलेटर में हो जाएगा, इसको कुछ अलग अलग करने का जरूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ लिखें, पीछे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1,56,454.87, ठीक है अप्रोक्स, अब जब ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन में तब देखना पड़ेगा क्या आंसर हो सकता है, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेशन को हमें कितना चेंज करना पड़ेगा, फिलहाल तो मैंने इतना लिख दिया है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर,
29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोला है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज वन टू बी रिसीव्ड आफ्टर टू ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट 10% इंटरेस्ट रेट। मतलब हम पहले क्वेश्चन बताते क्या हो रहा है, यहाँ ड्रॉ करने से समझ में आया। देखो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज वन, प्रेजेंट वैल्यू हमें पूछ रहा है 1 रुपीज का जो कि हमें रिसीव होने वाला है आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, तो 2 ईयर्स का पहले यहाँ पर ड्रॉ करो, 2 ईयर्स बाद हम लोग को कितना मिलेगा, रुपीज वन, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स रुपीज वन मिलेगा। इसका फ्यूचर वैल्यू मतलब कौन सा वैल्यू पूछ रहा है, आज का वैल्यू कितना है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू बोल रहा है, फ्यूचर वैल्यू तो ये है, अगर मुझे 2 साल बाद 1 रुपया मिलने वाला है तो फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, ये मुझे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज वन टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली एट 10% इंटरेस्ट रेट। अगर हमें इस पे इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10%, फिर कितना मिलेगा 10%, अच्छा 10% पर एनम करके इंटरेस्ट है और मिलेगा भी 10% पर एनम करके ही, क्योंकि कंपाउंडेड कैसे बोला है एनुअली, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये क्वेश्चन एनुइटी का है कि नॉर्मल कंपाउंड, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो है, ये सिंपल इंटरेस्ट तो होता नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही और एक पोर्शन हम लोग बोल सकते हैं एनुइटी का है, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ ये एनुइटी का क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एनुइटी होने का मतलब कंडीशन तो फुलफिल होना चाहिए, सोच के देखो, क्या हम लोग कोई अमाउंट स्पेसिफिकली डिपॉजिट कर रहे हैं या हमें रिसीव हो रहा है, ऐसा कुछ कहीं पर भी लिखा हो? नहीं मैम, नहीं कर रहे ना, ये क्या है, सिंपल हम लोग कुछ एक पैसा जमा करेंगे और फ्यूचर में उसके बदले हमें कितना मिलेगा 1 रुपीज। देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है पीरियोडिक पेमेंट रिसिप्ट, कहीं नहीं दिख रहा है, हाँ ऑब्वियसली 2 ईयर्स का स्कीम हमें दिख रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक स्कीम तो है, लेकिन एनुइटी होने के लिए 4 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एक सेम अमाउंट, तो कहीं पर भी हमें पता है कि 1 रुपीज मिलने के अगेंस्ट में हम लोगों ने कितना पैसा करके जमा किया, नहीं बोला है, तो फिर ये हम लोग का एनुइटी नहीं होगा, तो फिर ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन हो गया, सिंगल कैश फ्लो का, या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन, मतलब कुछ एक पैसा जमा करना है और फ्यूचर में हमें उसके बदले कितना मिल जाएगा, 1 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस i होल टू द पावर n होता है, ठीक है। अच्छा a का मतलब होता है फ्यूचर में मिलने वाला वैल्यू, तो a को हम लोग फ्यूचर वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, p को प्रेजेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस i होल टू द पावर n। फ्यूचर वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में 1 रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, आई कितना होगा 10% ही लिख देंगे क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, तो फिर ये 10% का पेमेंट यानी आई को एडजस्ट करने का कोई जरूरत नहीं। एन कितना हो जाएगा, कितना बार हमें कन्वर्जन होगा, 2 बार, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का 2 साल का स्कीम था, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस 10%, तो ये देख लो कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1.1 हो गया, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है, देख लो कितना होगा, 1.1 नहीं ना, 2 बार है, सॉरी ये तो स्क्वेयर है, मैंने 1.1 ही लिख दिया, 1.1 का स्क्वेयर करो तब आंसर, मतलब इसको कैलकुलेटर में कर सकते हैं, कैसे करोगे बोलो, तो ऐसे करने से हो जाएगा, ये देखो 1.1 इंटू इक्वल टू कर लिया तो ये आ गया, ये लिखना जरूरी नहीं है, क्या करोगे कैलकुलेटर में जाके पहले अपना मेमोरी पूरा क्लियर करना है, फिर इसको मेमोरी में सेव कर लेना है, ठीक है, 1.21 वैल्यू को। अब क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करना है, तो देखो वही वैल्यू दिख जाएगा, फिर इक्वल कर देना है तो आंसर आ जाएगा 0.8264 ऐसे आएगा, ठीक है। तो कैसे निकालना है कैलकुलेटर में, तुम लोग ऐसे करोगे 1.1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया कैलकुलेटर में, कुछ एक वैल्यू आएगा, कितना आएगा हम यहाँ से देख के बताते हैं, 1.21 आएगा, ठीक है। फिर तुम लोग को कैलकुलेटर में क्या करना है, इस वैल्यू को मेमोरी प्लस, लेकिन सबसे पहले कैलकुलेटर का बाकी मेमोरी कर लेना है खाली, ठीक है, अगर कुछ मेमोरी दिखेगा
तुम लोग को कैसे खाली करना है, दो बार एम आर सी को क्लिक करोगे तो वो खाली हो जाएगा, एम प्लस कर दिया, फिर कर देना है 1/ मेमोरी रिकॉल, ये वाला प्रेस करना है, तो फिर आंसर आ जाएगा। इससे क्या होगा, लिखने का झमेला नहीं होगा, मतलब तुम लोग को ऐसा लिखना मैंडेटरी नहीं है कि इसके बाद ये लिखोगे फिर उसके बाद कैलकुलेटर का यूज करोगे, ऐसा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये वाले से हो जाएगा आंसर, तो ऐसे करके आ जाए। ठीक है, तो अपने कैलकुलेटर में तुम लोग प्रैक्टिस करके देखना ये हो रहा है कि 29 हो गया। चलो अब देखते हैं 30, देखो उसने क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000। देखो इसमें तो क्लियरली बोल दिया प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years, बोल रहा है कि 5 साल बाद हमें कितना जरूरत है पैसे का, 10,000। इफ द इंटरेस्ट रेट 9%, ठीक है इंटरेस्ट रेट 9% है, बोल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, मतलब ड्रॉ कैसे होगा, देखो अगर ड्रॉ करोगे तो ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। 5 years बाद हमें 10,000 चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है 5 years बाद, देखो बोला है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years, मतलब 5 years बाद हमें कितना चाहिए, 10,000, ठीक है उसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है, मतलब आज का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है तो ये मेरा क्या हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में मुझे ये पैसा चाहिए। इफ द इंटरेस्ट रेट, अच्छा अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, 9%, तो 9% कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या assumption लेते हैं, ऑलवेज कंपाउंडेड एनुअली और पेबल भी एनुअली, मतलब 9% 9% 9% 9% 9% ऐसे करके मिलेगा। अब मुझे बोलो क्या ये क्वेश्चन एन्युटी का है कि नॉर्मल सिंगल कैश फ्लो का, सिंगल कैश फ्लो का, क्योंकि कहीं से एन्युटी तो एन्युटी होगा तो मुझे तो बताएगा कि पीरियोडिकली इतना पेमेंट करना है या इतना रिसीव, वैसे तो पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब मुझे किसी स्कीम में पैसा रखेंगे तभी तो मुझे 9% इंटरेस्ट करके फ्यूचर में 5 साल बाद कितना मिल जाएगा, 10,000। लेकिन ये क्वेश्चन एन्युटी का नहीं है, एन्युटी होगा तो 4 conditions फुलफिल होना चाहिए, कहां सेम अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है, ठीक है तो ये पहले वाला जैसा ही है, देखो सेम, सिर्फ यहाँ पर हमें 10,000 बोला है, यहाँ पर हमें कितना बोला था, 1 रुपए, सेम है क्वेश्चन, ठीक है सिर्फ वैल्यू अलग है, तो कैलकुलेट करके देखो क्या होगा आंसर। गुड इवनिंग ट्यूशन, गुड इवनिंग मैम, तो कैलकुलेशन करो देखो, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1+I होल टू दी पावर N, ठीक है अगर तुम लोग इसको फ्यूचर वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हो कर दो, इसको प्रेजेंट वैल्यू से एक ही बात है, करने से भी जो आंसर आएगा, नहीं करोगे तो भी आएगा। फ्यूचर वैल्यू कितना है, 10,000, ठीक है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, I कितना है, 9% ही रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ईयरली वाला पेमेंट है तो अच्छा होगा, इसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। एन कितना होगा, एन होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो अगर इंटरेस्ट मुझे कंपाउंडेड एनुअली मिल रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स में कितने बार कन्वर्जन होगा, 5 बार, इस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 9/100+1 1.09, 5 times मल्टीप्लाई करो, 2, 3, 4, 5, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, 1+9% टू दी पावर 5, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, हम इसको पूरे कैलकुलेटर में कर लेंगे, ये आंसर आ गया, मुझे क्या करना है, 10,000 डिवाइडेड बाय ये करना है, तो मैंने जैसे बोला कैलकुलेटर में तुम लोग क्या करोगे, पहले मेमोरी में कुछ है तो उसे हटा देंगे, हट गया, देयर इज नथिंग सेव्ड इन मेमोरी, इसको मेमोरी में सेव कर लेना है, फिर उसके बाद 10,000 लिखना है डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कर देंगे, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ठीक है देखो वही वाला वैल्यू आ गया, अब इसमें इक्वल कर देना है तो आंसर आ जाएगा 6499 आ रहा है, 6499.313 इस तरीके से, सेम इसी तरीके से कैलकुलेटर में करोगे तो लिख के करने का जरूरत नहीं होगा, मतलब हर एक कैलकुलेशन स्टेप वाइज लिखना नेसेसरी। अब देखो ये वाला 31, ठीक है
31 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है देखो यहाँ पर, एस बोरोस 5 लाख टू बाई ए हाउस, ठीक है। तो एस बोल के कोई है, उन्होंने बोरो करना मतलब उधार लिया है 5 लाख ताकि वो एक घर खरीद पाए। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर, बोलो ये लाइन मुझे क्या बताता है, क्वेश्चन किस चीज का है, एनुटी का है, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट तो फिर क्या हो गया, सेम अमाउंट, और कितने साल तक पेमेंट करना है, 20 ईयर्स तक पेमेंट करना है, तो इसका मतलब ये हम लोग का एनुटी का हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है एंड, अच्छा बोलो तो पेमेंट कैसे होगा, ये देखो नीचे बोला है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब ये जो 20 ईयर्स तक पेमेंट करना है ये कैसे करना है, हर साल, ठीक है। एडमिट करो, आवाज ही तो नहीं आया, अगर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड दिख रहा है। अब दिख, गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग मानसी, ठीक है आवाज नहीं जा रहा है। चलो अब देखो यहाँ पर जो हम बता रहे थे, तो ये हम लोग का 20 ईयर्स का हो गया, तो एक फिक्स टाइम पीरियड हो गया। अच्छा कैसे इंस्टॉलमेंट देना है, इक्वल देना है, तो ये भी एनुइटी को फुलफिल कर रहा है। देखो सेम अमाउंट कितना, सेम अमाउंट कितना है, सेम अमाउंट कितना करके देना है, वही निकालने के लिए बोला हुआ। देखो एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अच्छा बोल रहा है कि एस जो है उसने 5 लाख बोरो कर लिया है, ठीक है, 5 लाख बोरो किया है, तो बोरोइंग अमाउंट जो है वो क्या वैल्यू बताता है, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम आज किसी से पैसा बोरो करने का मतलब तो आज ही ले रहे हैं ना, तो ये थोड़ी ना फ्यूचर का बात होगा। देखोगे मैंने लिखवाया है बोरो का मतलब ऑलवेज क्या होता है, लोन लेने का मतलब आज का वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने में होगा, क्वेश्चन देखो यहाँ पर 5 लाख जो है हम लोगों ने बोरो किया है, ठीक है, तो 5 लाख आज बोरो किया। अच्छा अब बोरो तो कर लिया, अब पैसा तो वापस भी करना पड़ेगा, जैसे होम लोन होता है, लोन ले लिया पैसा तो वापस करना पड़ेगा। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स, अब ये पैसा कितने दिन में वापस करना है, 20 ईयर्स, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है 21 गया, 20 ईयर्स में ये पैसा वापस करना है। एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब हमें इंटरेस्ट कितना देना है, 10%। अब 10% कैसे देना है ये हमें नहीं बोला है, तो 10% कैसे देना पड़ेगा, पर ईयर बेसिस पे, ठीक है। अच्छा अगर तुम लोग सोच रहे हो, मैंने यहाँ डॉट डॉट दे दिया क्योंकि 20 टाइम्स लिखने का तो कोई जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर बोला है ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो क्या ये कोई नया चीज है, नहीं नया चीज कुछ नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारा कोई ईएमआई लगता है ना, उसमें क्या क्या अमाउंट इंक्लूड होता है पता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक क्या होता है, इंटरेस्ट का, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जैसे मान लो कि एक मोबाइल है 10,000 का, ठीक है, मैंने 5 बार का इंस्टॉलमेंट ले लिया, तो पर मंथ कितना देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब उसने मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। लेकिन अगर वो बोलेगा जो सेलर है कि भाई इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप डिले पेमेंट कर रहे हो, तो आपसे सिर्फ 2,000 नहीं लेंगे, आपसे हम लोग इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट मान लो बोल दिया 10% पर एन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो फिर कैलकुलेशन इंटरेस्ट का कैसे होता है, तो इंटरेस्ट ऐसे होता है, देखो 10,000 का हम लोगों का क्या है, 10,000 का टोटल अमाउंट है, उसको हमें कितने बार में देना है, 5 बार में देंगे, तो 2,000 करके 5 बार में देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा कितना होगा पता है, 2,000 ऐसे करके कितना बार हो, बोलो 5 टाइम्स, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। अब इंटरेस्ट का हम बता रहे हैं, तो देखो पहले 10,000 में अगर हम 2,000 दे दिए तो मेरे पास कितना बचता है, 8,000। पहले बार इंटरेस्ट कितना लेगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो मैंने अगर 10,000 का मोबाइल लिया जिसका पेमेंट हम आज नहीं कर रहे, तो मेरा टोटल लोन अमाउंट कितना होगा, 10,000, 10,000 पे 10% का इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, कैलकुलेट करते हो, 1,000, तो मेरा पहला ईएमआई कितना होगा पता है, 2,000 प्लस ये कुछ ज्यादा हो गया 1,000 जो भी हो, तो ये कितना हो जाएगा,
इसको 10% नहीं करके 1% करते तो सही रहेगा। देखो ये ना कुछ ज्यादा दिख रहा है, 1% कर देते, 1% करने से कितना होगा 100 रुपए, है ना, तो ये ठीक देखने में लगेगा। तो देखो 2000 की जगह कितना देना पड़ेगा, 2100, ये पहला ईएमआई हो गया। अच्छा आप देखो, जैसे ही मैंने पहला प्रिंसिपल पे कर दिया, मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो गया, इस पे अब देना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट, 1%, ठीक है। ये शायद 1000 होगा ना, देखो तू, नहीं ये 100 होगा। अच्छा इस पे 1% कितना होगा, 80, ठीक है, इस पे 1% 80। तो नेक्स्ट ईएमआई कितना हो जाएगा, 2000 तो मुझे देना ही है और इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 80, तो कितना हो गया 2080, ऐसे कैलकुलेशन होता है। फिर नेक्स्ट मुझे कितना देना पड़ेगा, 2000 तो कितना बचेगा, 6000। अब इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 60 रुपीज, ठीक है, 1% करके 60 रुपीज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000 + 60, नेक्स्ट ईएमआई हो गया 2060। अब नेक्स्ट फिर से कितना देना पड़ेगा, 2000, तो उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2040 हो जाएगा, ये 4000 आ जाएगा। ऐसे करके मेरा ईएमआई 5 बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब हम बताना चाह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या, इंटरेस्ट एक्चुअली किस पे कैलकुलेट होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। और ईएमआई कैसे वैल्यू कम होता है पता है, बोल तो देते हैं ईएमआई, ईएमआई दो तरीके का होता है। देखो एक तो होता है कि टोटल अमाउंट ही बता दिया, जैसे मान लो बोल दिया 2010 रुपए करके मुझे 5 बार में देना है, ये भी हो सकता है, अदरवाइज ऐसा भी कैलकुलेशन हो सकता है। यहाँ पर तुम लोग को दिखेगा कि हर बार इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होते जा रहा है, डाउन, ठीक है। क्यों डाउन हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। नॉर्मली होम लोन वगैरह में ऐसा होता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब हम समझाना चाह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ही इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल को वो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मुझे पूछा है क्वेश्चन में कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बताओ, मतलब 20 साल तक जो हमें पेमेंट करना है हर साल कितना करके पेमेंट करना है, तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में। पहला बात है एनुइटी है तो समझ में आ गया, ठीक है। तो 5 लाख तो मेरा क्या है, बोरोइंग अमाउंट, मतलब मैंने यहाँ पर देखो 5 लाख बोरो किया है, ठीक है। अच्छा मुझे क्या पूछ रहा है कि हर साल ये जो मुझे ये भरना है इंस्टॉलमेंट वो कितना करके भरना है, तो मुझे क्या पूछा है बोलो, यहाँ प्रिंसिपल नहीं होता है, प्रिंसिपल नहीं होगा वो, प्रिंसिपल मतलब, तो देखो ये 5 लाख जो है इसको अगर हम 20 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक एक मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो 5 लाख पे 20 डिवाइड करके देना नहीं है, मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना है, तो क्या होगा वो, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एनुइटी क्या निकालने बोला है, अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं बोला था हम लोग को क्या निकालने बोला है, एनुइटी। 5 लाख को मुझे रिटर्न करना है, तो मैंने तो वही बोला 5 लाख को अगर डिवाइड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, प्रिंसिपल। लेकिन मेरा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट भी तो लगेगा, वही तो मेरा होता है ईएमआई, ठीक है, मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर मंथली नहीं है ईयरली है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे देना क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि हर बार कितना पैसा भरोगे, तो मुझे क्या पूछ रहा है, पीरियोडिक पेमेंट, ईयरली पीरियोडिक पेमेंट फॉर 20 ईयर्स, मुझे हर बार का ए पूछा है, तो ए तो एक आंसर एक ही जैसा होगा, किसी भी ए को निकाल लो किसी भी साल का, ठीक है, एक आंसर मेरा इक्वल होगा। अच्छा तो ये समझ में आ गया, अगर एनुइटी का क्वेश्चन है तो एनुइटी तो मिसिंग है क्वेश्चन में, तो मुझे एनुइटी निकालने बोला होगा। अब मुझे ये बोलो कि मुझे एनुइटी का कौन सा वैल्यू निकालना है, फ्यूचर की प्रेजेंट, फ्यूचर प्रेजेंट तो मुझे पता है, मैंने 5 लाख उधार लिया है तो मुझे वापस कितना करना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे एनुइटी का क्या निकालना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब मेरा बात है कि एनुइटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा अब ये कैसे निकालेंगे, अब जो हम लोगों ने ये बोरो किया है, अब देखो इसका अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहला बात है कि एनुइटी रेगुलर, अब बोलो एनुइटी रेगुलर होगा कि ड्यू होगा, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन कि ईएमआई कब से भरना है, बोला है कि ईयर के स्टार्टिंग में कि ईयर के एंड में, देखो कहीं पर बोला है, तो फिर क्या मानेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या मानना पड़ेगा, एनुइटी रेगुलर, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन, हाँ तो मेरा ये क्वेश्चन एनुइटी का है, ठीक है, जिसमें मुझे एनुइटी पूछा है, और एनुइटी किस चीज का है, रेगुलर का, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाते, फ्यूचर वैल्यू क्या है, a इनटू 1 प्लस i होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे एनुइटी पता है,
नहीं, मुझे तो ये निकालना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू पता है मुझे इस लोन का फ्यूचर का टोटल वैल्यू कितना होगा ये भी नहीं पता। वन तो फॉर्मूला में है, आई मुझे पता है, वन एन भी हम निकाल लेंगे, आई मुझे पता है, लेकिन ये दो मिसिंग टर्म से आंसर निकल सकता है? सॉल्व कैसे होगा? दोनों साइड में अगर दो दो मिसिंग डेटा होगा तो आंसर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाए इसके जगह? इससे काम नहीं बनेगा। फॉर्मूला तो सही है लेकिन इससे काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर वैल्यू भी नहीं पता और ए भी नहीं पता, दोनों मिसिंग टर्म से तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए बोलो? प्रेजेंट का लगाओगे, प्रेजेंट वाला डेटा दिया हुआ है ना, इससे लगाओगे। तो एनईटी का कौन सा? अभी तक प्रेजेंट वैल्यू का एक भी हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया है, अभी करेंगे, ठीक है? तो एनईटी का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू लगाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू अब एनईटी का फॉर्मूला देखो, ढूंढो कहां पर लिखे, ये रहा, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी रेगुलर का फॉर्मूला क्या है? ए बाई आई वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आई होल टू द पावर एन। लिखो लिखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी रेगुलर का फॉर्मूला होता है ए बाई आई वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आई होल टू द पावर एन। इससे आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरे पास एक ही मिसिंग डेटा होगा, बाकी सारा आंसर मेरे पास अवेलेबल है। बोलो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 5 लाख। आज जो मैंने उधार लिया वही तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। मुझे ए नहीं पता, वही तो निकालने बोला है कि हर बार कितना पेमेंट करोगे। अच्छा, आई है इंटरेस्ट रेट, क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट बताया था, मैंने भी लिखा नहीं। ये देखो 10%, आई कितना है 10%, और क्वेश्चन में बोला नहीं है कि 10% कैसे पेमेंट करना है। तो एज्यूम टू बी पर एनम, मतलब कंपाउंडेड क्या हो जाएगा? एनुअली। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 10%। वन वन रहेगा, इधर भी वन वन ही रहेगा, वन यहाँ पर भी वन रहेगा, आई का वैल्यू 10%। नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना होगा? अगर मुझे इंटरेस्ट पे करना है पर एनम बेसिस पे 20 ईयर्स तक, तो मेरा कितना बार कंपाउंड होगा? 20 टाइम्स। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब ये सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही मिसिंग टर्म है, ये कोई गलत नहीं है। ये मैंने क्यों क्रॉस किया? क्योंकि इससे नहीं निकलेगा, मेरे पास दो दो मिसिंग टर्म से हम कैसे निकाले? तो मुझे 5 लाख का यूज करना पड़ेगा। ये मेरा क्या गिवन था? प्रेजेंट वैल्यू। तो मुझे फिर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। पहले इधर वाला कर, ठीक है? इधर जो दिख रहा है, तो 1 + 10% मतलब 10 / 100 प्लस 1.1, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है? ये हो गया। अब मुझे क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाई इतना करना है। तो क्या करोगे? कैलकुलेटर ले लो, ठीक है? वहां अगर मेमोरी में कुछ है पहले उसको हटाओ, इसको करो मेमोरी प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई ये वाला डेटा करना है। तो 1 डिवाइडेड बाई तुम लोग को करना है मेमोरी रिकॉल, ठीक है? फिर इक्वल कर देना है। तो ये वाला आंसर आ गया। कहां तक का आंसर आ गया? यहां तक का आंसर आ गया। अब माइनस वन करेंगे तो मेरा यहाँ पर नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि मुझे वन माइनस करना है, लेकिन अब माइनस वन करेंगे नेगेटिव दिखेगा, लेकिन आंसर नेगेटिव नहीं है। हम लोग उसको माइनस प्लस को यूज करके पॉजिटिव, ये देखो ये नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं ये नेगेटिव नहीं होगा, वो तो कैलकुलेटर में लिख के इतना सारा चीज थोड़ी ना मिटाएंगे। तो ये प्लस माइनस का साइन जो यहाँ पर दिखता है कैलकुलेटर में, उसको यूज करोगे वो माइनस हट जाएगा, ठीक है? तो मेरा पूरा यहां तक का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है? अच्छा, a into this one divided by 10%, मतलब ये जो वैल्यू आया इसको डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 10%। मतलब सोच के देखो, ये तो मेरा ऐसे निकल गया ना, दिस वन इंटू 0.8513 .. तो दिस वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 10% करना पड़ेगा। तो हम इसको कैलकुलेटर में कर देंगे, ये जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई 10%, ठीक है? तो ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब कितना आ गया? इधर लिखो 5 लाख इक्वल टू ए इंटू ये वाला वैल्यू आ गया 8.5135, ठीक है? मैंने 4 डेटा लिखा है, तुम लोग 4 से ज्यादा चाहो तो लिख सकते हो, नॉर्मली 4 लिखने से ही होगा। इस 5 को हम 6 कर ले रहे क्योंकि इसके पीछे 6 है, ठीक है? तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? हम इसको भी कैलकुलेटर में कर सकते थे, लेकिन मैंने तुम लोग को एक बार एक स्टेप दिखा दिया। यहाँ पर फिर आंसर होगा 5 लाख डिवाइडेड बाई दिस वन, ठीक है? तो देखो ये मेरे कैलकुलेटर में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इसको मेमोरी में देंगे, लेकिन उसके पहले ये मेमोरी को करेंगे खाली, ठीक है? फिर से इसको मैंने कर दिया मेमोरी प्लस। अब मुझे क्या करना है? 5 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी, 5 लाख डिवाइडेड बाय कहाँ चला गया, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ठीक है? तो इक्वल कितना आ गया? 58729.81, मतलब
पर ईयर मुझे कितना देना पड़ेगा, 58,729 करके मुझे जो है इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा इस 5 लाख के लोन के अगेंस्ट में 20 साल तक, तब जाके ये लोन जो है कंप्लीट होगा, ठीक है, तब जाके ये लोन पूरा होगा। तो ये मेरा क्या है, हर साल का क्या बोलेंगे, हर साल का इंस्टॉलमेंट, इसको तो ईएमआई नहीं बोल सकते क्योंकि ईएमआई लैंग्वेज में मंथली बात आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ये हम लोग का इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पर एनुअल। तो कैलकुलेशन आसान है लेकिन कैलकुलेटर पे ही करना है इतना, ये इंटू 20, ये सब तो कभी भी तुम लोग बिना कैलकुलेटर के कर नहीं सकते, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर अलाउड भी है यूज करना। अब देखो नेक्स्ट 32, देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 इयर्स टू पे ऑफ ए लोन। बोलो ये क्या बता रहा है, ये लाइन पहले बोलो, 5,000 क्या, एनुइटी, ठीक बोलो सर, एनुइटी है 5,000, अगर हम लोग हर साल पेमेंट कर रहे हैं 10 साल तक, ठीक है, तो ये 5,000 क्या हो गए, एनुइटी, जो रेगुलर पेमेंट है, रेगुलर हो रहा है, तो कैसा रेगुलरिटी है, पर ईयर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कितने साल के लिए, 10 इयर्स, ठीक है, तो ये मेरा एनुइटी हो गया और 5,000 मुझे एनुइटी का वैल्यू बता रहा है। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट भी 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, बोल रहा है कि अगर हम 5,000 करके 10 इयर्स तक पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा पेमेंट का पैटर्न है, बोल रहा है कि लोन का अमाउंट कितना है, लोन पूछ रहा है, तो बोलो मुझे एनुइटी का फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू, लो प्रेजेंट वैल्यू, लोन मतलब ही प्रेजेंट वैल्यू, देखो कि मैंने लिखवा रखा है, लोन का मतलब क्या है, आज मुझे कितना पैसा मिल रहा है, वही तो मेरा लोन है, ठीक है, तो व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट कितना है, 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट के साथ, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो हमें पूछा है व्हाट इज द लोन अमाउंट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो देखो ड्रॉ कर लोगे क्वेश्चन को तो समझ में आ जाता है कि हमें क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 32 यहाँ पर देखो, मुझे 5,000 तक कितने साल तक पेमेंट करना है, 10 इयर्स, तो यहाँ पर ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये नहीं बोला है कि 5,000 मुझे बिगिनिंग में पे करना है कि एंडिंग में, तो हम लोग क्या मानेंगे, एंड, ठीक है। वैसे भी लोन लेने से ना हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो इस मंथ लोन सैंक्शन हुआ तो इस मंथ में कोई ईएमआई नहीं लेगा, ठीक है, अगर तुम लोग कुछ भी प्रोडक्ट भी घर पे खरीदते हो ना, लाइक एसी हो गया, एक्वागार्ड हो गया, ये सब भी ईएमआई में लोगे ना, जिस मंथ ये लोगे उस मंथ चार्जेस नहीं काटेगा, नेक्स्ट मंथ से होता है, ठीक है, हमेशा लोन का अमाउंट उसके पास से ही होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5,000, मुझे 5,000 करके पर ईयर करके 10 इयर्स तक पे करते जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर, ठीक है, 5,000 तक पे करते जाना है। अच्छा अब बोल रहा है व्हाट इज द लोन अमाउंट, तो इसका मतलब मैंने कितने का लोन लिया था, ठीक है, मतलब मुझे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यहाँ पर लोन का अमाउंट, मैंने कितने का लोन लिया है, अगर हम 5,000 करके 10 साल तक पेमेंट करेंगे और इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड है, 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब पहले साल भी कितना इंटरेस्ट देना है 14%, उसके बाद भी 14%, उसके बाद भी 14%, डॉट डॉट सेम तरीके से लास्ट तक मुझे 14% करके देते जाना है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, हाँ प्रेजेंट वैल्यू का ही लगा लेंगे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी रेगुलर, अभी अभी लगाया था, बोलो फॉर्मूला क्या था, ए बाई आई 1 - 1 / i / 1 + i / 2 / n, क्योंकि मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू पूछा है तो वही लगाएंगे, ठीक है, ए बाई आई यहाँ पर 1 - 1 / i / 2 / n, ठीक है। अब बोलो इसमें ए कितना है, बोलो ए कितना है, 5,000 और आई कितना है, हाँ 14%, और 1, 1 ही रहेगा, 1 इधर भी 1 रहेगा, यहाँ भी 1, 1 रहेगा, 14%, एन कितना बार कंपाउंडिंग होगा, कितना बार हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा इतने बड़े टर्म्स में, 10 times, क्योंकि मेरा कंपाउंडिंग तो 10 पर ईयर हो रहा है, तो इतना। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा, पहले ये कैलकुलेट करेंगे, 14 / 100
प्लस वन मतलब ये वाला निकल के आ गया. अब इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, ये निकल गया. डिवाइडेड बाय वन करना है, मतलब यहाँ पहले हम मेमोरी से इसे हटाते हैं, इसको कर दिया मेमोरी प्लस वन डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, तो ये आंसर आ गया. मतलब मेरा यहां तक का आंसर आ गया यहां तक, ठीक है. अब मुझे करना है माइनस वन, तो निकालेंगे यहाँ पर माइनस वन, करने से नेगेटिव दिखेगा, उसको भी मैंने पॉजिटिव कैसे करना है बता दिया, यहां तक का कैलकुलेशन हो गया. अब 5000 क्या होगा इस डेटा में, मल्टीप्लाई और डिवाइड कितना होगा 14%, तो पहले 5000 मल्टीप्लाई कर ले, ये आ गया डिवाइडेड बाय 14%, 26080 ठीक है, 26080.57. तो हम लोग का ये जो 5000 करके 10 ईयर्स का पेमेंट है, उसका लोन का अमाउंट का वैल्यू कितना था, 26,080 रुपीज ठीक है. ये हम लोग का लोन का अमाउंट था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एनुइटी, मतलब ये जो पैसा हम लोग दे रहे हैं इसके जगह हम लोगों ने इतना लोन लिया. अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर 33, इसमें क्या बोला है, देखो बोल रहा है why bought a TV costing 30,000 by making a down payment of 3,000. तो जब भी कुछ EMI में लेने जाते हैं ना, normally हमें down payment जरूर करने बोलता है, पूरा EMI कोई नहीं देता है. जैसे प्रोडक्ट अगर 20,000 का है तो 20,000 का EMI नहीं मिलता है, कुछ एक डाउन पेमेंट होता है लाइक 10%, 5% ठीक है, वो देना जरूरी है. तो यहाँ पर देखो इन्होंने 3000 का डाउन पेमेंट दिया है एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स, मतलब पूरा पैसा नहीं दे सकता है. 13,000 में से कितना दे दिया है 3,000, तो कितने का लोन ले लिया होगा 10,000 ठीक है. अच्छा और बोल रहा है कि ये 10,000 कैसे पे करना है, एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स, तो क्या ये एनुइटी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है कि क्या है, एनुइटी नहीं हो सकता, क्यों एनुइटी तो है, टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट बोला. हाँ तो उससे क्या है, डाउन पेमेंट तो चला गया, फिर मेरा लोन कितने का हुआ, वही तो मैंने पूछा ना. देखो अगर मेरा टीवी का वैल्यू 13,000 है, मैंने डाउन पेमेंट क्यों किया, क्योंकि ये बिजनेस का रूल्स होता है. अभी मैंने इसीलिए बोला नॉर्मली कोई मुझे पूरे वैल्यू का ईएमआई नहीं देता है, किसी किसी केस में दे सकता है वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली कभी तुम लोग ऑनलाइन में होता है ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में होता है पूरे पे ही मिल जाता है, उसमें डाउन पेमेंट का नहीं होता है. लेकिन अगर जाके लोगे ना शॉप में तो बोलेगा कुछ तो डाउन पेमेंट कर दीजिए ठीक है, फिर वो लोग बता देगा कितना करना है. तो लोन कितने का लिया 10,000, लेकिन इसके साथ तो एनुइटी का कोई लिंक नहीं है, हम डाउन पेमेंट करें या ना करें. मेरा एनुइटी का मतलब क्या है, क्या मुझे कुछ स्पेसिफिक अमाउंट किसी रेगुलर पीरियड के लिए पे करना है. बोल रहा है देखो एग्री हुआ है टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स, जो पैसा वो पे नहीं कर पाया टीवी का वो पे कर देगा, कितने साल में पे कर देगा 4 ईयर्स में. कितना करके पे करेगा, जो भी पे करेगा इक्वल अमाउंट पे करेगा, वो तो बता रहा है, कितना पे करेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इक्वल अमाउंट में मतलब ही क्या हो गया एनुइटी. अगर एनुइटी है तभी तो 4 साल में मुझे ये पूरा पैसा इक्वली पेमेंट करना है, तो एनुइटी हुआ कि नहीं हुआ. वो पेमेंट जो कर दिया वो उसके लोन में कंसिडर नहीं होगा, लोन का अमाउंट क्या हो गया 13 से कम हो गया 10,000 आ गया ठीक है. हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट कितना है 10,000, उस पे इंटरेस्ट कितना करके लगेगा 14% कंपाउंडेड एनुअली. मतलब ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए का लोन 4 साल में पे कर दोगे ऐसे करके डिवाइडेड बाय 4 करके, ऐसा नहीं होता है. वो होने से बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई, आजकल होता है नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन ये तो बोल रहा है इंटरेस्ट लेगा, कितना करके लेगा 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. तो हम लोग को पूछा क्या है बोलो, तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा बोलो, एनुइटी हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, हर एक पेमेंट कितने का होगा, कौन सा पेमेंट जो इक्वली करना है. बाकी तो हमें सब पता ही है, लोन अमाउंट पता है कितना 10,000, कितने दिन में लोन पूरा करना है 4 साल में, कैसे पेमेंट करना है हर साल एनुअली पेमेंट करना है, लेकिन कितना पेमेंट करना है, इंटरेस्ट कितना देना है 14%, लेकिन कितना पेमेंट करना है वही नहीं पता, मतलब मुझे एनुइटी नहीं पता ठीक है. तो एनुइटी निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर ड्रॉ कैसे, तो टीवी का कॉस्ट जो है वो है हम लोग का 13,000 ठीक है. अच्छा हम लोगों ने डाउन पेमेंट कर दिया, डाउन पेमेंट अगर कर देंगे वो कंसीडर नहीं करेगा वो लोग लोन में जितना कर देंगे, तो ये हो गया 10,000 ठीक है.
अच्छा, अब इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या फिर अनपेड। अच्छा, इसका ड्रॉ कैसे होगा? देखो, मुझे 4 इयर्स में पे करना है, 1, 2, 3, 4 इयर्स में मुझे लोन लिया है मैंने, तो मेरा लोन का वैल्यू यहाँ दिख रहा होगा। आज मैंने कितने का लोन लिया? 10,000 का लोन लिया। ये मुझे कितने साल में पेमेंट करना है? 4 साल में पेमेंट कर देना है, ठीक है। हर साल मुझे इक्वल अमाउंट पे करना है, मतलब मुझे एन्युटी देना है। अब मुझे ये नहीं बोला है कि स्टार्टिंग में कि एंडिंग में, लेकिन अभी अभी मैंने बताया, कोई प्रोडक्ट या कुछ भी लोन हम लोग लेते हैं तो हम लोग का जो मतलब पेमेंट स्टार्ट होता है वो पीरियड के हमेशा क्या होता है, एंड में होता है। तो मुझे एन्युटी यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट कितना बोला है? 14% हर साल मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बोलो मेरे पास डेटा क्या क्या है। मेरे पास आई अवेलेबल है, ठीक है। मेरे पास ये 10,000 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो मुझे ए निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू का, क्योंकि मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू का डेटा है। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वहां से ही मुझे ए मिल जाएगा। देखो, फ्यूचर वैल्यू में भी ए अवेलेबल होता है, प्रेजेंट में भी, लेकिन मेरे पास डेटा क्या है उसी के बेसिस पे ना हम निकालेंगे। तो मेरे पास अगर प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के ए को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला अभी अभी लिखा है, फिर से लिखो, याद हो जाएगा। ए बाई आई 1 माइनस एक्चुअली लास्ट पेज तक आ गए मैम। लास्ट पेज लिखो। मैम ওটা আরভি না পিভি ম্যাম, যেটা ওই ওটা ফার্স্টে পি লেখা? পি পি ভি ওটা লাইনটা টানা, ওটা পি ডট। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। तो कितना हो जाएगा? देखो, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल टू दी पावर ए। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10,000, और आई कितना है? 14%। 14% कितना बार कन्वर्जन होगा? पर एनम कन्वर्जन 4 बार। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको पूरा कैलकुलेट फिर यहां पर करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तुम लिख नहीं रहे हो, लिखो। नहीं अब तो बाद में नहीं मिलेगा, अभी तो लग रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन कॉपी में नहीं रहेगा तो जनवरी तक भूल नहीं जाओगे। कॉपी में अगर नहीं रहेगा फिर मुझे पूछोगे तो हम नहीं बताएंगे। अच्छा, ये हो गया मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। अरे मेरे से इक्वल दब गया, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। 14 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब यहां पर कर लिया मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये आ गया। फिर -1, ये हो गया। फिर डिवाइडेड बाय 14%, तो ये हो गया, ठीक है। तो 10,000 इक्वल टू ए इंटू 2.9137 आ रहा है, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये हटा देते हैं, ये मेमोरी प्लस में 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 3432, ठीक है। 3432 करके पर ईयर पेमेंट करना है। 047 है, 05 कर दिया मैंने, ठीक है। 3432.05 करके हर ईयर का इंस्टॉलमेंट पे करना है, तब जाके 10,000 रुपए 14% इंटरेस्ट के साथ हम लोग जो है पेमेंट कंप्लीट कर। नेक्स्ट देखो, 34। इसमें क्या बोला है? सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो यहां से यहां पढ़ के क्या लगता है, क्वेश्चन किस चीज का है? एनुटी का है। देखो, हम लोग सेम अमाउंट करते हैं, सेम अमाउंट हमें दिया जाएगा, ठीक है। हमें माँ की तरफ से सेम अमाउंट मिलेगा एवरी ईयर, मतलब एक पीरियोडिक पेमेंट है, ठीक है। और स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे मतलब एन्युइटी क्या है? रेगुलर, ठीक है। अच्छा, फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, ये क्या हो गया? स्पेसिफिक
टाइम, ठीक है, तो इससे एन्युइटी का पता चल गया. यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन बैंक एज एंड व्हेन यू आर रिसीव्ड एंड गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली. बोल रहा है कि जो अमाउंट हमें मिलेगा वो हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और जब हमें ये रिसीव होगा तो हम लोग 10% पर एनम इंटरेस्ट के साथ इसे रिसीव करेंगे और इंटरेस्ट हमें कैसे मिलेगा, कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, मतलब जो पैसा मिल रहा है वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक वाला हमें 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे ये पैसा वापस करेगा. व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युइटी, इस एन्युइटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, बोलो ये एन्युइटी इसमें कौन सा है, 10,000. ठीक है, 10,000 मेरा क्या है, एन्युइटी का वैल्यू है, इसका प्रेजेंट वैल्यू पूछा है. मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कितने साल के लिए मिलेगा पैसा, 5 years, 1, 2, 3, 4, 5, starting from today. मतलब कहाँ लिखना चाहिए मुझे 10,000, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर ठीक है, ऐसे करके हमें 10,000 मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे. मतलब और बोला है 5 years, मतलब इस साल के स्टार्टिंग से, फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, फिर नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके 5 बार मिलेगा. मुझे बोला है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, मतलब 10,000 का आज का वैल्यू कितना है, बोलो 10,000 का आज का वैल्यू कितना है, ये 10,000 का आज का वैल्यू कितना है, 10,000 ही है. इस 10,000 का आज का वैल्यू क्या 10,000 ही रहेगा, नहीं, हाँ ये कम होगा. ठीक है, कम होगा क्योंकि वैल्यू कम होगा, मतलब देखो आज आज जो पैसे, मतलब यहाँ पर जो भी अमाउंट मेरा आएगा वो 10,000 से वैल्यू में कम होगा लेकिन उसी के साथ इक्विवेलेंट होगा. वो क्यों हो रहा है, इंटरेस्ट के लिए. जैसे मान लो आज अगर मेरे पास 10,000 है उससे हम जो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, सेम प्रोडक्ट को 2 साल बाद खरीदने के लिए हो सकता है मुझे 10,500 देना पड़ा. ठीक है, तो मुझे ये हर एक 10,000 का क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट, क्योंकि मुझे तो 5 साल तक 10,000 ही मिलेगा लेकिन 10,000 का वैल्यू मार्केट में क्या हो रहा है, गिरते जा रहा है. तो वही पूछ रहा है इस 10,000 का आज का वैल्यू कितना, इस 10,000 का आज का वैल्यू, इस 10,000 का, इस 10,000 का, इस 10,000 का, क्वेश्चन मुझे ये पूछा है. अच्छा, तो मुझे क्या निकालना चाहिए, अब बोलो ये एन्युइटी तो है, एन्युइटी ड्यू है कि रेगुलर है, ड्यू है, ड्यू है, रेगुलर नहीं है, क्या है, ड्यू. ठीक है, एन्युइटी ड्यू है, क्यों, स्टार्टिंग फ्रॉम, तो फिर ड्यू है. अच्छा, मुझे प्रेजेंट वैल्यू पूछा है तो हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू. अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, देखो अभी तक एक बार भी नहीं लगाया तो एक बार देखना पड़ेगा. देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर लगाओ फॉर 1 shorter पीरियड प्लस इनिशियल कैश फ्लो. ठीक है, मतलब कैसे लगाना है, फॉर्मूला क्या है, A by I, 1 minus 1 divided by 1 plus I whole to the power n. पहले लिखो, हम सिखा देते कैसे लिखना है, प्लस इनिशियल कैश फ्लो, इसके नीचे लिखना है, नीचे नहीं मतलब तुम लोग पास में लिखो, मेरा जगह नहीं है. ठीक है, इनिशियल कैश फ्लो. ठीक है, इनिशियल कैश फ्लो. अच्छा, अब यहां पर A का वैल्यू कितना है, बोलो 10,000. अच्छा, कितने इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम, मतलब 10% हर साल करके इंटरेस्ट. तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, 1 minus 1 divided by 1 plus I, मतलब 10% होल टू द पावर n, n मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन. बोलो कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 4 बार, है ना. देखो इस पे एक बार, इस पे एक बार, 2 बार, इस पे एक बार, 3 बार, इस पे एक बार, 4 बार. ये जो है इस पे, देखो ये जब 10,000 हम लोग डिपॉजिट करेंगे इस पे इतना तक इंटरेस्ट मिलेगा, इस 10,000 पे इतने तक का, इस 10,000 पे इतने तक का, इस 10,000 पे इतने तक का. ठीक है, ऐसे करके हमें कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 4 times, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4 times होगा. ठीक है, प्लस इनिशियल कैश फ्लो. इनिशियल कैश फ्लो कौन सा, ये वाला. ठीक है, वैसे कैश फ्लो तो सारा ही 10,000 है तो यहाँ पर दे देंगे 10,000. ठीक है, अच्छा अब इसका कैलकुलेशन करो कितना होगा. देखो 10 divided by 100, पहले ये वाला कैलकुलेशन कर रहे, प्लस 1 into 2, 3, 4, ये हो गया 1 divided by, इसको मेमोरी में रखो,
वन डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ये आ गया ये वाला वैल्यू माइनस वन, ठीक है, इसको हटाते हैं, इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 10%, इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 10%, ये आ गया, ठीक है, प्लस 10,000, 41698, 41698, ठीक है। यहाँ फोर क्यों लगा, देखो इसका रूल्स क्या बताया था, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी रेगुलर हमें वन शॉर्टर पीरियड का लगाना है, एक कम, मतलब अगर ये एनुइटी रेगुलर का फॉर्मूला होता तो हम लोग कितना लगाते, 5, अगर एनुइटी रेगुलर का फॉर्मूला होता तो इनका वैल्यू कितना होता, 5 साल का स्कीम है तो 5 लगाते, हमें वन शॉर्टर लगाना है, 4 लगाना है, ठीक है, और क्यों लगाना है, क्योंकि 10, अभी तुम लोगों ने बोला 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 10 ही तो होगा, मुझे कितने सारे 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, 4 का, पहला वाला तो 10 ही रहेगा, उसको तो नहीं निकालना पड़ेगा ना, डिस्काउंटिंग कौन सा 10,000 हो रहा है, ये पीछे का 3 डिस्काउंटिंग हो रहा है, अगर मेरे पास आज 10 रुपया है तो उसका वैल्यू मेरे लिए आज 10 रुपया ही है, 1 साल बाद तो 10 रुपया मिलेगा, उसका वैल्यू मुझे जरूर निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये 4 हो रहा है, 4 होने का लॉजिक क्या है, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या 10,000 का मेरा कोई प्रेजेंट वैल्यू अलग से आएगा, नहीं, 10,000 तो मेरा 10,000 ही रहेगा, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू किसका निकलेगा, ये और ये 4 पीछे के 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये मुझे कितने साल बाद रिसीव हो रहा है, 4 ईयर, ये 3, 2 ऐसे करके, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4, इसीलिए फॉर्मूला में वो लिखा हुआ है, लेकिन लॉजिक क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका प्रेजेंट वैल्यू तो कुछ होगा ही नहीं, ये जैसा है ये वैसा ही दिखेगा, इसीलिए वन शॉर्टर पीरियड, और क्योंकि यहाँ पर मैंने ये 4-10,000 का कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन मेरे 4-10,000 का बता रहा है, 4-10,000 का, तो फिर बाकी 10,000 को तो मुझे 10,000 ही रखना है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, अलग से एड कर देंगे, तो मुझे वैल्यू पता चल जाएगा, तो मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना था, तो ये 4-10,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ये 4-10,000 का प्रेजेंट वैल्यू है 31,698, और ये 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 10,000 ही है, तो एड कितना कर देंगे, 10,000, तो कितना हो जाएगा, 41,698, वैसे भी तुम लोग देख सकते हो, 4-10,000 मतलब कितना होता है, बोलो 40,000, और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो कम दिखेगा ना, कितना कम दिख रहा है, 31,698, समझ में आ रहा है, ये अगर मेरा 40 हो जाता, सोच के देखो, ये अगर मेरा 5-10,000 का वैल्यू होता, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 50,000 हो जाता ना, उतना डिफरेंस तो होगा नहीं, बोल रहा है कि जो फ्यूचर में मुझे ऐसे 10-10-10 करके 40,000 मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना है, 31,698, अगर मेरा डिस्काउंट रेट कितना चल रहा है, 10%, मतलब आज अगर मुझे 1 रुपया मिल रहा है तो फ्यूचर में वो 1.1 के बराबर होगा, 10% का मतलब ये हो गया, तो यहाँ पर फॉर्मूले का लॉजिक ये है कि ये जो पहला वाला 10,000 है इसका कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, बाकी पीछे के 4-10,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, जो कि देखने में तो 40,000 है, लेकिन उस पर सारा डिस्काउंट डिस्काउंट लगा देने से, सॉरी इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगाने से, वो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है, 31,698, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना है, तो क्यों यहाँ पर वन शॉर्टर पीरियड लगेगा, उसका लॉजिक ये है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी रेगुलर फॉर वन शॉर्टर पीरियड प्लस इनिशियल कैश फ्लो, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं 35 नंबर क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, कितना पैसा हर साल इन्वेस्ट करना है, सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, तो हर साल मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करने बोला है 10 साल के लिए, ठीक है, तो बोलो क्या ये क्वेश्चन एनुइटी का है, सोच के बोलो, हाँ एनुइटी का ही तो, हर साल मुझे इन्वेस्ट करने बोल रहा है, तो फिर एनुइटी का ही हुआ ना, कितने टाइम के लिए, 10 साल, तो 4 कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, पहला बात है कि एवरी ईयर तो रेगुलरिटी है, ठीक है, और पीरियोडिक क्या है, एवरी ईयर, और अमाउंट कितना है वो मुझे शायद फाइंड आउट करने बोलेगा, ठीक है, तो बोल रहा है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर, हर साल हम लोग कितना इन्वेस्ट करें ताकि हमें कितना मिले, 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, तो 3 लाख मेरा क्या वैल्यू है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू, तो इसका ड्रॉ ऐसे होगा, कितने ईयर के लिए इन्वेस्ट करने बोला था, 10, तो 1, 2, 3, 4,
ये हो गया 10. 10 साल मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है. कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, जो भी करना है इक्वल करना है, ठीक है. एवरी ईयर करना है. अच्छा, ईयर का स्टार्टिंग की एंड कुछ नहीं बोला है, तो क्या मानोगे? हाँ, हमें क्या मानना पड़ेगा? एनुइटी रेगुलर की ड्यू, बोलो. रेगुलर, रेगुलर होने से क्या होगा? एंड, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे कितना मिलना चाहिए? 3 लाख मिलना चाहिए. ऐसा अमाउंट मुझे डिपॉजिट करना है 10 इयर्स के लिए. अच्छा, इंटरेस्ट कितना है? 10, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे मुझे 10% करके इंटरेस्ट मिले. अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाए? ये तो फ्यूचर वैल्यू है, बोलो. एनुइटी रेगुलर है, पता चल गया. कौन सा फॉर्मूला लगाए? फ्यूचर वैल्यू का, जो डेटा अवेलेबल है. दो मिसिंग टर्म से तो निकलेगा नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी रेगुलर, बोलो फॉर्मूला क्या था? उसको बहुत बार लिखा है, याद हुआ है. ए इंटू 1 + i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आई, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कितना लिखेंगे? 3 लाख. ए हमें नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करने बोला है. 1 रहेगा. आई कितना है? 10% करके ही पर एनम बेसिस पे मिलेगा. -1 डिवाइडेड बाई 10%. एन कितना होगा? कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? 10 टाइम्स ही मिलेगा, क्योंकि अगर मुझे ईयरली पेमेंट मिल रहा है तो भाई एन कैसे निकालते हैं? टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है. तो हर साल कन्वर्जन एक बार करके होगा. अगर ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा तो 10 साल में 10 बार का कन्वर्जन हो जाएगा. बाकी ड्रॉ देख के भी समझ में आ जाता. अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करो. तो 10 / 100 हो गया +1. इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10%. तो ये इतना निकल के आ रहा है, ए इंटू इतना. अब ए कैसे निकालेंगे? 3 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू हो जाएगा. मतलब हम इसको मेमोरी में ले लेते हैं, फिर 3 लाख यहाँ से पहले ये मेमोरी हटेगा. मेमोरी प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 18823.62 कर देते हैं. 8 है अप्रोक्स, ठीक है. तो कितना हो गया? 18,823 रुपीस करके मुझे पर ईयर डिपॉजिट करना पड़ेगा. और ये पैसा 10% इंटरेस्ट में बढ़ के आफ्टर 10 इयर्स कितना हो जाएगा? 3 लाख. तो अगर किसी को 3 लाख रुपीस चाहिए तो उसे मंथली, सॉरी ईयरली इतना करके डिपॉजिट करना पड़ेगा. और अगर 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो वो पैसा आगे जाके कितना बन सकता है? 3 लाख बन जाए, ठीक है. इसके बाद ये लीज का है. लीज का भी मैंने नहीं करवाया. एप्लीकेशंस जो है ये सब लीज के ऊपर क्वेश्चन है, इससे उतना नहीं आता, वो एकदम लास्ट में करेंगे, ठीक है. अच्छा, अभी यहाँ पर हम लोग वो वाला पोर्शन लास्ट में करेंगे. अभी यहाँ पर देखो एक्सरसाइज में आ जाते हैं. 4C. पहला देखो, बोल रहा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी ऑफ 3000 फॉर 15 इयर्स एट 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट. बोल रहा है कि एनुइटी का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? एनुइटी कितना है? 3000. क्वेश्चन बोल ही दिया है एनुइटी ऑफ 3000, मतलब 3000 मेरा ए है. 15 इयर्स के लिए मतलब ये मेरा टी है, ठीक है. 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट ये मेरा आई है. मुझे पूछ रहा है कि इस एनुइटी का प्रेजेंट वैल्यू बताओ. मतलब अगर 3000 हम लोग 15 इयर्स तक डिपॉजिट करते जा रहे हैं 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो उसका आज का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है. तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मुझे बोलो कितना होगा. अच्छा, ये क्या मानोगे? एनुइटी ड्यू की रेगुलर कुछ नहीं बोला है, तो क्या मानेंगे? रेगुलर, ठीक है. तो अगर रेगुलर होगा तो हमारा डिपॉजिट कब होगा? एंड में, ठीक है. तो फिर मेरा फॉर्मूला कौन सा होगा? ये वाला नहीं होगा, ये ड्यू है, ये वाला, ठीक है. ए बाई आई, ये वाला, इसमें जो एक बार ऐड होता है वो ड्यू वाला था, ठीक है. तो ये फॉर्मूला होगा. देख के लिखो, अगर याद नहीं है तो अपनी कॉपी से भी देख के लिख सकते. तो देखो यहाँ पर लगेगा
क्वेश्चन हमें पूछा है 3000 करके 15 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हर बार हमें 3000 करके 3000 3000 ऐसे करके चलते, ठीक है 3000। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इस 3000 का प्रेजेंट वैल्यू, इस 3000 का प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे करके। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाई आई, 1 - 1 / 1 + i होल टू दी पावर 10। तो a कितना है 3000, i कितना है क्वेश्चन बताया होगा 4.5%, 1 - 1 / 4.5%, और n कितना होगा, इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है पर एन, तो कितना हो जाएगा, जितने साल का है 15 हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। 4.5 / 100 + 1, ठीक है 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 1 / ये करना है, तो इसको हम लोग देंगे मेमोरी में, 1 / मेमोरी रिकॉल इतना आ गया, -1 प्लस माइनस करके नेगेटिव को हटाओ, इनटू 3000 डिवाइडेड बाय 4.5%, कितना आ गया 32218, तो 32218.63 ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो ऑप्शन से बताना पड़ेगा कौन सा वाले वैल्यू से मैच हो रहा है, तो देखो कौन से वाले वैल्यू से मैच हो रहा है, बी, ठीक है बी आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 214 आया, तो क्या ये हम लोग का गलत हुआ है, नहीं गलत नहीं हुआ है, वो क्या होता है बताते देखो, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेटर पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारा वैल्यू ही ले ले रहा है, सारा वैल्यू का मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पर 1.9352 ये जो आया था पूरा वैल्यू ले रहा है, अगर पॉइंट के बाद चार वैल्यू लेके करोगे तो मे भी उनके साथ हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, लेकिन देखो एग्जाम में क्या कैलकुलेटर में फिर से तुम लोग 4 पॉइंट्स लोगे करोगे इसमें तो काफी टाइम लगेगा, तो नॉर्मल ऐसे कर देना, देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा, देखो ये तो होने वाला है नहीं, 23 तो मेरा आंसर नहीं है, ये है 32214 और ये वाला आया था देखो 32908, तो नियरेस्ट आंसर कौन सा है, बी, ठीक है वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से होता है। अब इनके साथ हम लोग एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे पता करेंगे, ये पॉइंट के बाद चार डिजिट लिया था, दो डिजिट लिया था, कितने से किया है, वो तो फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा कितने से किया है तभी पता चलेगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं, हम लोग क्या करेंगे अपना ऑप्शन जो नियरेस्ट आंसर के साथ मैच हो रहा है वही वाला देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें नन ऑफ दिस टिक कर दो तुम लोग, 18 और 14 में पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग वहां पर पूरा वैल्यू लेके कर रहे हैं जितना भी पॉइंट के बाद है, ठीक है, मतलब जितना कैलकुलेटर सपोर्ट कर रहा है, और हो सकता है तुम लोग का आंसर एग्जैक्ट ऐसा आ जाए क्योंकि ये वाला जो कैलकुलेटर है ये ज्यादा डिजिट सपोर्ट करता है, तुम लोग का कैलकुलेटर उससे कम सपोर्ट करेगा, तो हो सकता है उसमें तुम लोग का 214 आ जाए, मुझे नहीं पता, चाहे एक बार चेक करके देख सकते हो, या फिर पॉइंट के बाद चार डिजिट लेके जो आंसर आएगा मे भी उससे ये आ सकता है, लेकिन वो करके देखना पड़ेगा, लेकिन आंसर कैसे दोगे एग्जाम में, इस तरीके से आंसर देना है कि यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। और अगर तुम लोग का अगर कैलकुलेटर कर रहे हो, कैलकुलेटर पे यूज जो लोग कर रहे हो, करके देख सकते हो कि मेरे यहाँ से कितना वैरी कर रहा है, मे भी वैरी कर सकता है क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेप जो है पॉइंट के बाद इसमें सपोर्ट करता है, तुम लोग वाले में कम सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आंसर का वेरिएशन आ सकता है, लेकिन ऑप्शन बी होगा, ये तो समझ में आ रहा है देख के, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ये वाला कैलकुलेट करो, द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी सर्टेन ऑफ 150 फॉर 12 इयर्स 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें एन्युइटी सर्टेन ऑफ 150 मतलब बोलो यहाँ पर 12 years तो T है, 3.5 क्या है I है, amount of annuity certain of 150, तो ये 150 क्या है बोल सकते हो, बोल ही दिया, बोलो 150 क्या है, अगर ये लैंग्वेज को एक बार हटा दो तो बोलो 150 क्या है, annuity तो है, annuity certain का मतलब क्या है, ये लैंग्वेज यूज किया था हम लोगों ने, देखा कहीं तो लिखा होगा एन्युइटी सर्टेन, ठीक है चलो अभी नहीं दिख रहा,
एन्युटी सर्टेन ऑफ 150, ठीक है, एन्युटी सर्टेन ऑफ 150 12 इयर्स, तो यहाँ पर एन्युटी सर्टेन मतलब क्या हो जाता है, वो एन्युटी होता है कि 150 करके ही हमें देते जाना है, कितने साल को, 12 साल, 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, अगर हम लोग इतना 150 12 इयर्स तक 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, मतलब हम लोग डिपॉजिट कितना करके करेंगे, हर बार 150, कितने टाइम के लिए करेंगे, 12 इयर्स के लिए, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3.5%। अमाउंट कितना होगा पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्यों पूछेगा, 150 करके हम लोग जमा कर रहे हैं, अमाउंट का मतलब क्या है, कितना मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, अमाउंट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगा, अमाउंट का मतलब तो मुझे कितना पैसा मिल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में था ना, ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट, तो अमाउंट होगा, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करके देखो, मतलब ड्रॉ कर लो, जब भी कंफ्यूजन होता है ना ड्रॉ कर लो, देखो हमें कितना बार देते जाना है, 150 करके 12 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मुझे 150 करके देते जाना, ठीक है, 150 करके मुझे देते जाना है 12 बार, ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हर साल मुझे 3.5% करके मिलेगा, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है इस एन्युटी का अमाउंट कितना होगा, ठीक है, अमाउंट मतलब ये जब हम जमा कर रहे हैं तो इसके बाद, ये जब मेरा पूरा डिपॉजिट 12 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, अमाउंट कितना मिला ये डिपॉजिट करके, उसको बोलते हैं लैंग्वेज अमाउंट, ठीक है। तो मुझे फ्यूचर वैल्यू पूछा है, तो फ्यूचर वैल्यू ये क्या है, एन्युटी क्या मानेंगे इसको, कुछ नहीं बोला है तो एन्युटी रेगुलर, तो एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। अच्छा, ए कितना है, 150, आई कितना है, बोलो, 3.5%, हर साल ये इंटरेस्ट मिलेगा, तो इतने साल में ये कितना साल है, 12 इयर्स में मेरा कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, टी कितना बोला है, 12 इयर्स, तो एन भी कितना होगा, 12 हो जाएगा, क्यों 12 होगा, क्योंकि मेरा कन्वर्जन पर एनम है, ये देखो t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम है, ठीक है, तो ये हो गया 1, यहाँ पर 12, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 12 माइनस 1, आई कितना है, 3.5%। अब कैलकुलेट करो, 3.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 12 टाइम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, minus 1, divided by 3.5% into 150, 19, गलत हो गया लग रहा है, कुछ कैलकुलेशन आंसर मैच नहीं हुआ, तो को एक बार फिर से देखते हैं, शायद कुछ गलत कैलकुलेशन हुआ, 3.5 divided by 100 plus 1, 12 times, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, minus 1, divide 3.5% into 150, 2190, हाँ तब कुछ गलत हुआ था, शायद मैंने एक बार कम मल्टीप्लाई किया या ज्यादा किया होगा, 2190 आएगा, 2190.29 आ रहा है। अब ऑप्शन में जाके देखना पड़ेगा कौन सा आंसर हमारा हो सकता, यहाँ से देखो, बोलो कौन सा आंसर होगा, मैम ऑप्शन ए, ए देखो ए के साथ मैच हो रहा है, बस यहाँ 28 है, मेरा 29 आया है, वही अप्रोक्सीमेशन के वजह से, वो पॉइंट के वजह से, ठीक है, लेकिन ये तो होगा ही नहीं कंफर्म, 2180 भी नहीं लिखेंगे, हमारा नियरेस्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए, ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर, इसमें बोलो क्या बोल रहा है, ए लोन 10,000 इज टू बी पेड बैक, तो हम लोगों ने लोन लिया है कितने का, 10,000, तो ये 10,000 मेरा क्या वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, लोन लेने का मतलब हमेशा आज का वैल्यू है ना, आज लोन ले रहा है तो मेरा लोन का अमाउंट जो है वो मेरा प्रेजेंट वैल्यू, थोड़ी ना मुझे आगे जाके 10,000 ही देना है, उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा, नहीं तो कोई मुझे लोन क्यों देगा, लोन देने का मतलब है कि पैसा वापस करेगा तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस मिलेगा। अब ये पे बैक करना है, मतलब ये 10,000 रुपए लौटाना है, कैसे लौटाना है, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो बोलो जैसे ही बोल दिया 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो ये क्या है, इसका पेमेंट का नेचर कैसा होगा,
एन्युटी, ठीक है, हमें एन्युटी के हिसाब से इसे रिटर्न करना है. एन्युटी क्यों हुआ, क्योंकि हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब इक्वल अमाउंट हो गया, ठीक है, और 30 टाइम्स में पे करना है. तो टाइम लिमिट कितना हो गया, 30, ठीक है, 30 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर कुछ ईयर वगैरह नहीं बोला है, 30 टाइम्स. और द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल, और बोल रहा है हर एक अमाउंट में प्रिंसिपल इंक्लूड होगा. वो मैंने तुम लोग को बताया ना अभी थोड़ी देर पहले के एग्जाम्पल में, कि हम लोग का हर एक ईएमआई में क्या इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल प्लस उसके साथ इंटरेस्ट एंड 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. देखो वही बोला है, हर एक इंस्टॉलमेंट में क्या इंक्लूड रहेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. ये कोई नया चीज नहीं है, देखो हर एक इंस्टॉलमेंट, ये देखो ये तो बताने का तरीका, हर एक इंस्टॉलमेंट में क्या इंक्लूड रहेगा, बोल रहा है प्रिंसिपल, और क्या इंक्लूड रहेगा, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे देना है, 4% पर एनम कंपाउंड, ठीक है. तो हम लोग को इस क्वेश्चन से फाइंड आउट करने क्या बोला है, बोलो, लोन बता दिया है, पेमेंट करना है 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, अमाउंट कैसे है, बोल रहा है कि जो हम लोग एनुअली हमें क्या निकालना है, कि तो फिर इंस्टॉलमेंट कितना करके होगा, वही तो निकालना है. देखो क्वेश्चन में हमें पूछा नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क देखिए, ये नहीं पूछा है, बोला एन्युटी कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के खुद समझना पड़ेगा. लोन का अमाउंट कितना है, 10,000, मैंने आज 10,000 लिया, बोला 10,000 रुपए कैसे लौटाना है, नहीं ऐसे ऐसे लौटाना है, ठीक है. तो फिर पूछ क्या रहा हूं, हर मंथ का, सॉरी हर टाइम का इंस्टॉलमेंट. अब ये 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है, ठीक है, मतलब 30 टाइम्स में हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है. तो देखो कैसे करके होगा, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया, 10,000, ये लोन मुझे कितने बार में लौटाना है, 30 में लौटाना है, ठीक है, 30 टाइम्स में. अच्छा यहाँ पर इक्वल इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कवर, अच्छा इंटरेस्ट कैसे बोला है, 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट मुझे कैसे देना है, ईयरली देना है कि मंथली देना है, क्या लगता है, ईयरली, क्योंकि देखो कुछ ज्यादा तो बोला नहीं क्वेश्चन में, लेकिन इंटरेस्ट से पता चल रहा है. इंटरेस्ट कैसे देना है, बोल रहा है हर साल 4% करके देना है, मतलब ये 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने बार में देना है, हर साल में देना है, ठीक है. मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 12 months, मतलब 1 year हो जाएगा, और 30 मतलब 2 साल, कितना 2 साल कितना महीना होगा, 6 months, मतलब कितना साल हो जाएगा, 2.5 years हो जाएगा, ठीक है. तो 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ठीक है. तो 30,000 करके, सॉरी, मुझे 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा. अच्छा अब मुझे फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, मेरे पास आई अवेलेबल है, आई का मेरे पास वैल्यू है 4%. पहले लिख लेते हैं मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है. अच्छा मेरा जो इंस्टॉलमेंट पे करना है वो मुझे कैसे पे करना पड़ेगा, तो एन कैसे निकालेंगे, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम. बोलो अगर मुझे इंटरेस्ट ईयरली देना है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, और 30 इयर्स में देना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स, ठीक है, एन मिल गया. मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, ए निकालने, प्रेजेंट वैल्यू का ही लगाएंगे तभी ना आंसर निकाल पाएंगे. तो यहाँ पर मुझे कैसे पे करना है वो नहीं बोला है, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, एनुइटी रेगुलर, तो रेगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बाई आई, 1 - 1 / 1 + i / 2 n, ठीक है. प्रेजेंट वैल्यू 10,000, ए फाइंड आउट करना है, आई 4%, ठीक है, एन 30, कैलकुलेट करके देखो कितना निकल के आए, 4 / 100 + 1, ठीक है, इनटू 30 टाइम्स करना है, तो मतलब केयरफुली करना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में हुआ, फिर से करते हैं, मुझे लगा 19 में नहीं हुआ शायद, 4 / 100, ठीक है, प्लस 1, प्लस 1 इनटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है. अच्छा अगर ये ठीक ठाक हुआ है तो आंसर आ ही जाएगा, 1 / ये करना है, ठीक है. तो मेमोरी हटाते हैं, इसको कर लिया मेमोरी प्लस, 1 / मेमोरी रिकॉल,
ये आ गया इधर माइनस वन, ये प्लस माइनस करके ठीक कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 4%, डिवाइडेड बाई 4%, तो ये आ गया। अच्छा इसको मेमोरी प्लस में कर लेंगे तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, ये पहले मेमोरी से हटाएंगे फिर इसको मेमोरी प्लस करेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाई ये मेमोरी रिकॉल, देखते कितना आ रहा है, 578.30 आया। ठीक है तो पूरा कैलकुलेट करके ए का वैल्यू यहाँ पर लिख देते, पूरा कैलकुलेट करके ए का वैल्यू आया 578.30। देखो मैंने कुछ लिखा हुआ क्या नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करके तुम लोग भी कर सकते हो, लेकिन हैबिट देखो ऐसे 30 रहेगा, इस तरीके का कैलकुलेशन रहेगा तो बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओ, ठीक है, क्योंकि गलत होने का चांसेस हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का 578 करके एक एक इंस्टॉलमेंट होगा, तो देखते हैं कौन से आंसर से मैच हो रहा है, बोलो कौन से आंसर से मैच हो रहा है, ए बी सी डी सी। इसमें हमारे साथ देखो एग्जैक्ट आंसर मैच हुआ, क्यों हुआ, मतलब हम लोगों ने जितना डेटा लेके किया है इन्होंने भी उतना ही डेटा लेके किया होगा, इसीलिए एग्जैक्ट मैच हो गया। बाकी जगह पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद उन्होंने कुछ डेटा कट कर दिया होगा, इसी वजह से एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, 578.3। तो ये पूरा पूरा मैच हो गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा, बाकी में भी कंफ्यूजन नहीं है, पूरा मैच नहीं हो रहा, ठीक है, बस इतना ही फर्क। अच्छा अब देखो यहाँ पर फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में करना क्या है, सब बता दिया है और फॉर्मूला भी उनका बता दिया है, तुम लोग को इस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल के मुझे बताना है। तो देखो यहाँ पर ए बता दिया है, ए का मतलब क्या है, वैसे बता दो ए का मतलब क्या है, एनुइटी, एन का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, और आई का मतलब इंटरेस्ट रेट भी पूछा है, तो ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा फॉर्मूला है बोल सकते, ए बाई आई, अभी अभी हाँ ये हम लोग का क्या है, अभी अभी जो फॉर्मूला लिखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी क्या है, रेगुलर, ठीक है, जो भी हो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं उतना पता करने का, इसमें जो भी बोला है पुट कर दो, पुट करके भी का आंसर निकाल के देखो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, तो हमें फॉर्मूले में बोला है भी इक्वल टू वन डिवाइड ए डिवाइडेड बाई आई, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बस हम लोग को देख देख के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, ए के जगह पुट करेंगे कितना 1200, आई के जगह कितना पुट करेंगे 0.08, ठीक है, मतलब इन्होंने इंटरेस्ट जो है परसेंटेज को क्या किया है, डिवाइडेड बाय 100 करके ही दे दिया है, दे दिया है तो अच्छा है, हमें कम मेहनत करना पड़ेगा, 0.08 और एन बताया है 12, कैलकुलेशन करके देखो कितना आएगा 1.08, ठीक है, 12 टाइम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसको करना है मेमोरी प्लस, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ये आ रहा है माइनस 1, पॉजिटिव कर लो इसको, इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 0.08, 9043.29 ऐसे आ गया है वी का वैल्यू, देखो कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, ए बी सी डी, डी, ठीक है, डी के साथ जाएगा 9.9043.293 है इनका, 30 आया, वही अप्रोक्सीमेशन के वजह से होगा, ये कोई भी नियरेस्ट आंसर नहीं है, नियरेस्ट आंसर मेरा क्या है, एग्जैक्ट आंसर ये बोल सकते हो, वो 29 और 30 का ही बस डिफरेंस है, तो आंसर हम लोग का डी हो जाए। बोल रहा है ए का वैल्यू दे दिया है 100, एन 10, आई 5%, फाइंड द फ्यूचर, ये तो बता ही दिया डायरेक्टली, क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फॉर्मूला लगा। अच्छा अब यहाँ बोला नहीं है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर लगाना है कि हमें ड्यू लगाना है, तो हम लोगों ने जो सीखा था हम लोग उसी पे अप्लाई करके देखेंगे आंसर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, तो हम लोगों ने क्या सीखा है, कुछ नहीं बोलने से क्या मानेंगे, रेगुलर, तो रेगुलर का फॉर्मूला लगा के देखते हैं आंसर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, तो रेगुलर का फॉर्मूला क्या, अभी जो लिखा यही वाला तो है, तो बोलो क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर 10, डेटा दिया हुआ है, देखो ए कितना बोला है 100, आई कितना बोला है, आई कितना बोला है 5%,
वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस 5% एन कितना है 10, एन भी दे दिया है 10, बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करके कैलकुलेशन देखो 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 10 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल ये वाला आ गया माइनस 1 फिर प्लस माइनस हटाना है इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5% 772.17 मेरा आंसर मैच नहीं है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी बोला मैंने, गलत फॉर्मूला लगा दिया ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए इंटू वन प्लस आई नहीं, हाँ गलत लगा दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू का लगा, ये प्रेजेंट वैल्यू का लगा दिया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का फॉर्मूला क्या है ये वाला ए इंटू वन प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस वन होगा ना, गलत लगा दिया, सॉरी इसको ठीक कर, ये गलत लगा दिया, ये प्रेजेंट वैल्यू का लिख दिया मैंने गलती से, और कैलकुलेशन भी कर लिया, तुम लोगों ने बोला ही फ्यूचर वैल्यू का क्या है बोलो, ए इंटू आई होल टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय, ठीक है अच्छा ए कितना था 100 आई 5% टू दी पावर एन यानी 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई मतलब 5%, फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5% ठीक है इनटू 100 1257 अब सही आया 1257.789 ऐसे आ रहा है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा वाला होगा, ए 1258 है तो 7.7 मतलब 8 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये वाला हम लोग का सही है, ठीक है ये हम लोग का फ्यूचर वैल्यू का बोला था ना, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू का लगा दिया था, मतलब भी का मतलब क्या है, भी का मतलब फिर क्या हो गया, इसका मतलब फिर क्या हो, प्रेजेंट, ठीक है यहाँ सिर्फ भी बोला है वैल्यू, बोला नहीं है कि प्रेजेंट या फ्यूचर, तो इसका मतलब भी का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू बोला था, तो ये फ्यूचर वैल्यू जो है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये वाला होगा, प्रेजेंट वैल्यू का ये वाला होता है, देखो कैसे याद कर सकते हो, ए बाई आई, देखो प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग होता है डिवाइड, ठीक है एनुइटी का वैल्यू डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर देखो वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये वैसे भी इसके नीचे भी ए बाई आई हो रहा है, यहाँ पर वन प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस वन, अगर तुम लोग ये दो फॉर्मूला को देखोगे ना, देखो कैसे समझ में आएगा कि गलत लिख रहा है कि नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू का है, यहाँ पर भी ए बाई आई है, इस फॉर्मूले को अगर ऐसा लिखते हैं तो ये भी तो ए बाई आई होता है ना, हम ये बोलना चाह रहे हैं तुम लोग देखो ये जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है यहाँ पर मैंने आई लिखा है, हम चाहे तो ए बाई आई भी तो लिख सकते हैं, तो भी तो बात एक ही है, आई इधर लिखे या आई इसके पीछे लिखे, बात तो एक ही है इसके नीचे लिखे, यहाँ पर क्या है ए बाई आई है, और डिफरेंस क्या है वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आई होल टू दी पावर एन, दोनों फॉर्मूले में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में अगर कोई डिफरेंस है तो वो कहाँ पर है, देखो दोनों में अगर डिफरेंस है तो वो हम लोग का इस जगह पे है ना, वो तो लिखने का हम यहाँ पर लिखते हैं, तुम लोग चाहो तो इसको भी इसके नीचे लिख सकते हो, इसमें डिफरेंस है, अब बोलो तो किसमें वैल्यू ज्यादा दिखेगा, इसमें कि इसमें, इसमें वन प्लस आई को मल्टीप्लाई करते जाना है फिर माइनस वन करना है, और इसमें वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आई होल टू दी पावर एन करना है, तो इसमें वैल्यू क्या होगा रिड्यूस, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग, यहाँ पर एक रुपए का वैल्यू डिस्काउंट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग करेंगे तो ही तो फ्यूचर का वैल्यू मिलेगा, और डिस्काउंटिंग करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा प्रेजेंट का वैल्यू, तो इसका
मतलब अगर हम बाई चांस फॉर्मूले में ये लिख रहे हैं तो दिमाग में ये रखना है कि मुझे पूछा क्या है, मुझे अगर फ्यूचर वैल्यू पूछा है तो इसका मतलब मैंने गलत लिख दिया था, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू में डिस्काउंटिंग कहाँ से का है, फ्यूचर वैल्यू में होना चाहिए कंपाउंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी देखो लिखते लिखते प्रैक्टिस करना भी पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या होगा। बाकी दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस देखा तुम लोगों ने, इधर भी ए बाई आई है, इसको भी तुम लोग चाहो तो ऐसे पैटर्न में लिख सकते हो। इसमें डिफरेंस देखो, कंपाउंडिंग माइनस वन, यहाँ पर वन माइनस डिस्काउंटिंग, इसमें है वन माइनस डिस्काउंटिंग और इसमें क्या है कंपाउंडिंग माइनस वन, तो वन माइनस भी एक ही है, इसमें भी माइनस वन है इसमें भी, लेकिन इसमें डिस्काउंटिंग इसमें कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग होने से फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटिंग होने से प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे करके दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाता है कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर गलत फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर फाइव तक हो गया, बाकी तुम लोग जो है यहाँ पर थर्टीन तक है, तुम लोग खुद से करके एक बार देख सकते हो, ठीक है। सिक्स से लेके थर्टीन तक हम होमवर्क देते हैं, इसको करके देख सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है। और एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, नॉर्मली बाकी चैप्टर का हम लोग एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करते, लेकिन ये इसका कर लेंगे, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट है तो कर लेंगे। एट तक जो है आठ ही क्वेश्चन है, तो ये भी तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का भी वन से एट, ठीक है, ये भी ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस जो लीज वाला करेंगे वो कंसेप्ट अलग, ठीक है। फिर आज इतना ही करते मैम, एट चैप्टर तो शेष था वाले। थैंक यू मैम, ठीक है, बाय। I don't say smile, I don't know.